हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत कर रखी है और जो प्रैक्टिस सेशन है वो DBBB के रिगार्डिंग है। DBBB ने बहुत सारी वैकेंसी निकाली है, उन्हीं सभी वैकेंसीज के प्रीवियस ईयर उठाकर मैं आपके सभी के सामने रोजाना शाम को आता हूँ। और इसी कड़ी में आज 13वां प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। अभी हम लोग जब 13वें प्रैक्टिस सेट की बातें करेंगे तो इसी 13वें प्रैक्टिस सेट में हम लोग 40 क्वेश्चन कवर करने का काम करेंगे। और ऐसे ऐसे प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने 12 कंप्लीट कर लिए। दिव्या, सूरज, तन्नू, विजय, चिक्की, निशु, मंजू, प्रीति, पिंकी, तो भाई सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग एंड राधे राधे। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे भाई, क्योंकि हम लोगों ने पता चला कि 5 क्वेश्चन होने के तुरंत बाद 20-30 मिनट हो जाती है, तो इसी कारण हम लोग सीधी क्वेश्चंस की बात करेंगे। अभी क्वेश्चंस की बात करेंगे तो इसी प्रैक्टिस सेट को आप लोगों ने याद रखना है। एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद आवश्यक रूप से टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम पर जाने के बाद एक बार रिविजन करना है, लेकिन वो करना है कल। ऐसा मत करियो कभी अभी पढ़ करने और अभी टेलीग्राम से चेक करो उस PDF को। उस PDF को कल एक बार रिवाइज कर लेना कि भाई रिवाइज के अंदर क्या क्या क्वेश्चन ऐसे हैं जो DBBB ने पूछे हैं। ठीक है, हेमंत, मोहिनी, नमस्कार, प्रवीण, विक्की, तो भाई क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन से। अब पहला क्वेश्चन क्या है भाई DBBB के अंदर प्रैक्टिस सेट में, तो क्वेश्चन ये है, दिस इन्वेजन वॉज फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ प्लंडरिंग रेड्स बाय द अफगान रूलर्स अहमद शाह अब्दाली हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया 5 times बिटवीन। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इस आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली द्वारा लूट के छापे की एक श्रृंखला शुरू, जिसने उत्तर भारत का 5 बार आक्रमण किया। अब नाम है अहमद शाह अब्दाली। अगर मैं अहमद शाह अब्दाली की थोड़ी बातें करूं आप लोगों ने, तो आप लोगों ने भारत के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ा है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, फिर पानीपत का दूसरा युद्ध पढ़ा है, फिर पानीपत का तीसरा युद्ध पढ़ा है। जब हम तीसरा युद्ध पढ़ते हैं तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच एक युद्ध लड़ा गया था, जिसको हम लोग पानीपत का तीसरा युद्ध पढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि इसने भारत के ऊपर 5 बार आक्रमण किया। अब 5 बार आक्रमण किया, लेकिन हमें तो एक ही याद है, कौन से वाला याद है, हमें तो पानीपत का तीसरा युद्ध याद है, लेकिन इसने तो 5 बार बोल दिया। अब ये 5 बार आक्रमण किया तो क्या क्या होगा, इस बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। तो हम लोगों ने देखा कि भाई जो अहमद शाह अब्दाली है, भारत के अंदर नादिर शाह ने अटैक किया था 1738-39, जिसको आप लोगों ने करनाल का युद्ध पढ़ा था। जब नादिर शाह भारत के अंदर आया तो उसने अटैक करके ना बहुत सारी संपत्ति लूट के यहाँ से चला गया। ऐसा ही और भी बहुत सारे आक्रमणकारियों ने सोचा कि भाई हम लोग भारत के अंदर जाएंगे, उनको लूट के वापस आ जाएंगे। उसी कड़ी में अहमद शाह अब्दाली आया था। अब वो तो भारत का नेपोलियन है, कोई नूर हीरे को उठा ले गया ईरान के अंदर, बाद में इस अफगान शासक ने उस ईरान को भी जीत लिया और कोई नूर हीरा किसके अंडर में आ गया, अहमद शाह अब्दाली के। अहमद शाह अब्दाली के पास भी कोई नूर हीरा था जो नादिर शाह भारत से उखाड़ के ले गया था। जब वो इस अहमद शाह अब्दाली के पास आया तो इस अहमद शाह अब्दाली ने उसी की तरह भारत के ऊपर अटैक किया, लेकिन यो फंस गया भारत के एक बहुत पावरफुल आदमी। अगर आप कभी दिल्ली के अंदर विजिट किया आपने, तो दिल्ली के अंदर एक शहर है सफदरजंग, सफदरजंग के अंदर एक हॉस्पिटल भी है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। अब इसी तरीके से जब यो भारत के अंदर अटैक करने के लिए आया, तो हमने देखा ईरान के शासक नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन था नादिर शाह, जब उस नादिर शाह ने अटैक किया था तो नादिर शाह ने अवध का नवाब, जिसको आप लोगों ने सादत खान या बुरहान उल मुल्क के नाम से पढ़ा था, उस बुरहान उल मुल्क के ऊपर भी अटैक कर दिया जाते वक्त। जब जाते वक्त उसके ऊपर अटैक किया तो उसने आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या की तो उसी का एक लड़का था सफदरजंग। उस सफदरजंग ने क्या किया, जब जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत के ऊपर अटैक किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट भारत का शासक था अहमद शाह। देखो एक तो यू है अहमद शाह अब्दाली, एक भारत का शासक था अहमद शाह, इन्हीं को अहमद शाह युद्ध के नाम से जाना गया। ये भारत के अंदर शासक था 1748, इसी के टाइम भारत के ऊपर अटैक किया था, किसने, अहमद शाह अब्दाली ने। अब भारत के अंदर भी अहमद शाह है और भारत के ऊपर अटैक करने वाला भी अहमद शाह है, तो इसी को अहमद शाह युद्ध के नाम से जाना गया। ये 5 युद्ध अहमद शाह युद्ध कहलाए। जब इसने भारत के ऊपर अटैक किया था तो इस अहमद शाह की हेल्प करी फ्री ऑफ कॉस्ट सफदरजंग ने। सफदरजंग जो आप लोगों ने दिल्ली के अंदर पढ़ा है, ये उसी व्यक्ति का बेटा है जिसने आत्महत्या करी थी अहमद शाह अब्दाली के कारण। उस व्यक्ति का नाम क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सादत खान या बुरहान उल मुल्क, क्योंकि अपने पिताजी का बदला तो लेगा भाई सादत खान।
इस सादत खान का बेटा था सफदरजंग, इस सफदरजंग ने इस अहमद शाह अब्दाली को 5 बार पीटा, अहमद शाह की हेल्प करी। ये अहमद शाह मुगल बादशाह, भारत का मुगल एम्परर, और ये भारत के अंदर अटैक करने के लिए आया। तो इस अहमद शाह ने इसकी पिटाई करी सफदरजंग की सहायता से। जब सफदरजंग बार बार फ्री में हेल्प कर रहा था, तो सफदरजंग को दिल्ली का नवाब घोषित कर दिया, बाद में इसी के द्वारा या फिर दिल्ली का वजीर घोषित कर दिया। जब वजीर घोषित किया तो इसी के द्वारा एक शहर बनाया गया सफदरजंग। ठीक है, जब ये भारत के ऊपर अटैक कर रहा था बार बार, तो इसे पूछा गया कि भाई इसने कब कब अटैक किया। तो भारत के अंदर हम लोगों ने देखा 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसके अंदर नादिर शाह ने भारत के ऊपर, सॉरी अहमद शाह अब्दाली ने भारत के ऊपर अटैक किया था 1561। ये 1561 से लेकर 1748 ये सारे के सारे आक्रमण है। अब ये तो वैसे भी नहीं हो सकते क्योंकि हमने इसी टेन्योर के अंदर पढ़ा ही नहीं तीसरा युद्ध। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे 1748 से 1761 अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भारत पर 5 बार आक्रमण किया, और 5 बार इसके आक्रमण को विफल किया सफदरजंग ने। सफदरजंग ने हेल्प करी भारत के मुगल बादशाह अहमद शाह की, और इसको भारत से खदेड़ दिया। ठीक है, बाद में इसकी मृत्यु होगी। इसकी मृत्यु के बाद इसके बेटे के पास कोई नूर आया था, उसी बेटे ने भारत के ऊपर दोबारा अटैक किया। जब भारत के ऊपर अटैक किया तो भारत के अंदर एक महाराजा थे, महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी थी। ठीक है, जब वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी भारत के अंदर रणजीत सिंह के पास थी, तो उसके ऊपर इसके बेटे शाह शुजा ने अटैक किया था। शाह शुजा ने अटैक करके ने लाहौर को जीत लिया, लेकिन उसके खुद के राज्य में विद्रोह स्टार्ट हो गया अफगानिस्तान के अंदर। तो इसी कारण महाराज रणजीत सिंह बोले, भाई तेरे देश में विद्रोह हो रहा है, अपने देश को संभाल ले, आपकी ये 12 तोपें आपके पास सही सलामत पहुंच जाएंगी। जब वो वापिस चला गया तो उसकी तोपों को सही सलामत पहुंचाने का काम करा रणजीत सिंह ने, इसीलिए लाहौर का शासक घोषित कर दिया रणजीत सिंह को शाह शुजा ने, और वहीं से एक टाइटल मिला महाराजा, महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह वही रणजीत सिंह है जिन्होंने स्वर्ण मंदिर पर सोने का छत्र चढ़ाया। ठीक है, एक गुड़िया मैसेज करी, भाई आवाज क्या मेरी आवाज साफ आ रही है? अगर साफ नहीं आ रही है तो बता देना मेरे को। तो अहमद शाह अब्दाली के बारे में याद रखेंगे आप लोग ये क्वेश्चन। अगला है 1 नैनोमीटर। अब नैनो है याद करना आसान है, नैनो एक गाड़ी भी टाटाएगी। नैनो में एन है और एन से 9 बनता है, तो 10^-9 क्या है? नैनोमीटर। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों ने मीटर वगैरह पढ़े होंगे, 1 की 2, 1 की 3, 1 की 4। अगला है शेरशाह सूरी और राव मालदेव की सेनाओं के बीच सम्मेल की लड़ाई, जिसे गिरी सुमेल की लड़ाई के रूप में जाना जाता है, किस वर्ष लड़ा गया? भाई इसके अंदर एक आदमी दिया गया शेरशाह सूरी, मैं बहुत प्रभावित हूँ इस आदमी के स्ट्रगल से। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी भारत के अंदर सूर डायनेस्टी की स्थापना की गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा। बहुत पावरफुल शासक हुआ है शेरशाह सूरी। कैसे हुआ है? अब बचपन में पैदा हुआ, इनके जन्म पर डिस्प्यूट है। हरियाणा वाले ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पैदा हुआ, पंजाब वाले ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पैदा हुआ, हरियाणा वाले बोलते हैं कि नारनौल के अंदर पैदा हुआ है। तो इसीलिए इनके जन्म पर थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी है। वे बोलते 1472 में हुआ, वे बोलते 1483 में हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो एक बहुत जमींदारी परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम था फरीद। अब फरीद बहुत पावरफुल व्यक्ति था, मतलब थोड़ा सा लंबा तगड़ा आदमी था, और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। ये शिक्षा दिया करता लोगों को। जब शिक्षा दिया करता तो बिहार का एक सूबेदार था बार खान लोहानी। उस बार खान लोहानी ने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए ही शेरशाह सूरी को अपॉइंट कर दिया। अब शेरशाह सूरी के माता पिताजी की मृत्यु हो गई थी। जब उस बार खान लोहानी ने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए शेरशाह सूरी को अपॉइंट किया, तो शेरशाह सूरी उसे पढ़ाता रहा। भाई जीवन में अगर स्ट्रगल का सच्चा उदाहरण देखना है तो शेरशाह सूरी है। सारा जीवन स्ट्रगल किया इस व्यक्ति ने। कैसे कैसे स्ट्रगल किया? तो बिहार के सूबेदार बार खान लोहानी की बेटी को पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया, बाद में अपनी बेटी और पत्नी का अंगरक्षक भी बना दिया। एक दिन वे जंगल में घूमने जा रहे थे तो वहां पर सताते शेर आ गया, और इसने तलवार निकालकर ने तलवार के एक वार से शेर की गर्दन काट दी। जब शेर की गर्दन काटी तो वहीं से एक टाइटल मिला इसको शेर खान का, हम इसको शेर खान के नाम से जानते हैं। बाद में ये बिहार का सूबेदार बन गया। सूबेदार बना तो उसी समय भारत के अंदर जो दिल्ली के ऊपर मुगल बादशाह रूल कर रहा था बाबर, उसकी मृत्यु होगी और हुमायूं बैठा। अब हुमायूं ने अपनी सारी जमीन अपने चारों भाइयों में बराबर बराबर बांट दी। इसी कारण उसका जो सिंहासन था वो लड़खड़ा गया। जब उसका सिंहासन लड़खड़ाया तो इसने उसका फायदा उठा लिया। इसने क्या कराया, दिल्ली के समीप एक किला था उसके लिए मैं जाकर ने रैन बसेरा कर दिया। अभी जैसे चाइना है, चाइना भारत के किसी भी सीमा के ऊपर अगर सेना खड़ी करता है, ज़्यादा तैनात करता है, तो वो क्या है, वो रणनीतिक दबाव है।
इसी तरीके से शेरशाह सूरी ने एक चुनारगढ़ का किला था, उस चुनारगढ़ के किले के अंदर अपना डेरा डाल लिया। जब डेरा डाला तो ये हुमायूं के ऊपर स्ट्रेटेजिक दबाव था। जब हुमायूं के ऊपर स्ट्रेटेजिक दबाव आया तो हुमायूं ने अपनी बहुत बड़ी सेना ले जाकर और उस चुनारगढ़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया। उस समय शेरशाह सूरी उस चुनारगढ़ के किले के अंदर था। शेरशाह सूरी ने इनके साथ एक संधि करी हुमायूं के साथ कि भाई मेरा बेटा और बेटे के साथ थोड़ी सी बटालियन मैं आपको दे देता हूं, आप इसको अपने साथ ले जाओ। जब वो अपने साथ ले गया तो यहीं से हुमायूं ने इस किले को छोड़ दिया। लेकिन आगे चलकर ने 1539 दोबारा शेरशाह सूरी ने जाकर ने या शेर खान ने जाकर ने उसमें चुनारगढ़ के किले के अंदर अपनी सेना बैठा दी। अब की बार हुमायूं अपनी सेना लेकर गया और अपने साथ तोप ले गया। अब तोप के गोले सारे के सारे मारे उसके अंदर, चुनारगढ़ के किले दीवार ध्वस्त कर दी। लेकिन वहां पर शेरशाह सूरी ना था। शेरशाह सूरी के बारे में खबर उड़ी कि भाई ये तो बंगाल भाग गया। अब हुमायूं ने सोच लिया था कि अब की बार इसको मारूंगा, क्योंकि इसने पिछली बार भी दुखी किया था। अपनी सारी सेना ले गए और शेरशाह सूरी के पीछे पीछे भाग लिया हुमायूं। अब हुमायूं बंगाल पहुंचा, लेकिन बंगाल के अंदर शेरशाह सूरी ना मिला। जब बंगाल के अंदर शेरशाह सूरी नहीं मिला तो वहां से वापिस आया। वापिस आया तो इसकी सेना थक हार गई थी हुमायूं की, लेकिन रास्ते में अपनी सेना लिए खड़ा था शेरशाह सूरी। चोसा, चोसा बिहार के अंदर एक जगह है। चोसा के अंदर एक बैटल लड़ा गया 1539 में, चोसा का युद्ध। चोसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं हरा दिया, लेकिन फिर भी थोड़े सिपाहियों के साथ हुमायूं भाग गया। आगे गया तो एक जगह आई बिलग्राम, जैसे इसको आप लोग कन्नौज के नाम से जानते हैं, कन्नौज यूपी के अंदर इत्तर नगरी के नाम से जाना जाता है। वहां पर अपनी सेना लिए खड़ा था कौन, शेरशाह सूरी दोबारा से। वहां पर हुमायूं को दोबारा पीट दिया, हुमायूं घायल हो गया, फिर एक नदी के अंदर गिर गया। फिर एक व्यक्ति ने उसको उठाकर अपनी बेटी से विवाह कर दिया था उसका। वहां पर हुमायूं पड़े, लेकिन ये भारत का शासक बन गया। अब इसने शासक बनने के बाद भारत के अंदर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए। अगर क्वेश्चन पूछे शेरशाह सूरी किस कारण जाने जाते हैं, तो प्रशासनिक सुधार के लिए जाने जाते हैं। आप लोगों ने पुराना किला पढ़ा दिल्ली के अंदर, इन्हीं ने बनवाया था। जब शेरशाह सूरी भारत के शासक बने तो इन्होंने उसके बाद भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। उन्हीं में एक लड़ाई थी जो राव मालदेव के साथ लड़ी थी इन लोगों ने। उस राव मालदेव के साथ लड़ी हुई लड़ाई को गिरी सुमेल के नाम से जानते हम लोग। अब बहुत बूढ़े हो चुके थे शेरशाह सूरी, क्योंकि हम लोगों ने 1483 से पढ़ना शुरू किया था और 1545 आ गया था। 65 साल से भी ज्यादा उम्र का व्यक्ति था शेरशाह सूरी। अब 65 साल की उम्र में लास्ट में एक युद्ध लड़ने के लिए गया। जब युद्ध लड़ने के लिए गया तो बुढ़ापे की अवस्था में, एक ऐसा बताते हैं कि तोप के अंदर उक्का नामक अग्नियास्त्र था, जो मिसाइल भी कह लो या फिर एक तोप कह लो, उसके अंदर लोड करने लग रहा था बंदूक। बुढ़ापे में सोचो आप, 65 साल की आयु में बम को डालना लग रहा था तोप के अंदर। अब ऐसा बताते हैं वो तोप फट गई। कई बताते हैं कि कालिंजर का किला इतना पावरफुल था कि उसको भेदना मुश्किल था। कालिंजर के किले मार रहा था उसको, जब कालिंजर के किले मार रहा था तो कालिंजर के किले को लगकर वो वापिस आती और उसकी चेस्ट पर लगी, ऐसा बताते हैं इतिहास का। और वहीं पर उनकी मृत्यु होगी 1545। जब उनकी मृत्यु हुई तो इनका मकबरा है बिहार के सासाराम में, उनका नाम क्या है, शेरशाह सूरी। बहुत इंस्पिरेशन मिलती है भाई, 65 साल की उम्र में शर खुजाव है, युद्ध लड़ने चला गया। कालिंजर का किला जो बहुत पावरफुल है, जिसके अंदर राजा कीरत बैठा था, उसको जीतने की दिमाग में सूझी। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो आदमी स्ट्रगल से डरते हैं, सारी जिंदगी स्ट्रगल किया इन्होंने शेरशाह सूरी ने, ठीक है। तो इसी शेरशाह सूरी ने 1544 राव मालदेव के साथ एक लड़ाई लड़ी, जिसको गिरी सुमेल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। पीक 11 इन द हिमालयाज वाज रिनेम्ड इन 1865। जो पीक 15 है उसको 1865 में किस नाम के साथ चेंज किया गया, कौन सा नाम है? चार ऑप्शन दिए, K2 गोडविन ऑस्टिन, ये आप लोगों ने पता पीओ के अंदर है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या नंदा देवी। चारों की चारों चोटियाँ इंपॉर्टेंट है। अभी चारों चोटियों का अगर मैं जिक्र करूँ तो आप लोगों ने थोड़ा सा भारत देखा होगा ऐसे ऐसे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है, K2 गोडविन ऑस्टिन। अब जो K2 गोडविन ऑस्टिन है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई पूछता है एग्जाम के अंदर, तो आप लोगों ने याद रखना है 8611, 8611 मीटर ऊंचाई है K2 गोडविन ऑस्टिन की। लेकिन ये हमारी मुख्य भूमि के अंदर नहीं है, ये पीओ के पास पाक ने उकुबाई कर रखा है। इसके बाद अगर मैं कंचनजंगा की बात करूं, सिक्किम के अंदर है, आप लोगों ने 85-86 मीटर याद रखना है।
भारत की भूमि पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है। इसके बाद नंदा देवी पर्वत, अगर मैं नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई की बात करूं तो 7816 मीटर, 7816 मीटर की ऊंचाई है नंदा देवी की। माउंट एवरेस्ट से आप सभी ज्ञात हैं कि माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, 8848 मीटर। ये सारी की सारी ऊंचाइयां भी एग्जाम के अंदर पूछता है कि भाई किस चोटी की कितनी ऊंचाई है। तो K2 गोल्ड विनोस्टिन आपने 8611 याद रखनी है, कंचनजंगा आपने 8686 याद रखनी है, और जो अपनी नंदा देवी हुआ 7816 है, और माउंट एवरेस्ट 8848। ये भारत की ऊंची चोटियां हैं। अगर मैं इन ऊंची चोटियों की जिक्र करूं तो पूछा गया है किस ऊंची चोटी का पहले पुराना नाम था पीक 15, बाद में ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी बन गई। सभी के आंसर गलत आ रहे हैं, कंचनजंगा K2। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल के अंदर है उसका पुराना नाम है पीक 15, पीक 15 नाम है, और इसका नाम चेंज कब किया गया 1865 के अंदर। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे नाम पढ़े होंगे भाई माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा, ये चढ़ा, वो चढ़ा। इसके बाद अगला है द सुप्पा डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर इन कर्नाटका। सुप्पा डैम कौन सी नदी के ऊपर है लेकिन है कर्नाटक के अंदर। अभी आप लोगों ने एक जोग या गरसोप्पा जलप्रपात पढ़ा होगा शरावती नदी पे, जोग या गरसोप्पा। ठीक है, एक तो ये पढ़ा आप लोगों ने, एक आप लोगों ने कृष्णा के ऊपर पढ़ा, कृष्णा के ऊपर नागार्जुन सागर बांध है, नागार्जुन सागर डैम, ये आप लोगों ने कहां पढ़ा है, कृष्णा नदी पे। इसके बाद हेमावती है, हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, कावेरी की सहायक नदी का नाम क्या है, तो हेमावती। और इसका आंसर क्या है, तो काली नदी। काली नदी बहुत सारी भाई, काली नदी आप लोगों ने भारत और नेपाल के बीच में पड़ी है, जब भारत और नेपाल के बीच एक सुगोली की संधि हुई थी तो काली नदी को भारत और नेपाल के बीच सीमा घोषित कर दिया। लेकिन एक काली नदी कर्नाटक के अंदर भी है, उस काली नदी पर ही है सुप्पा डैम। ठीक है, और नागार्जुन सागर जो एग्जाम बार बार पूछा जाता है वो कृष्णा नदी किनारे, सॉरी कृष्णा नदी पर बनाया गया। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। Which of the following Varnas was supposed to teach the Vedas in ancient India as per rules laid down by the Dharma Sutra and Dharma Shastra? तो पूछा गया है कौन सा वर्ण धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में वेदों की शिक्षा देने वाला था, कौन वेदों की शिक्षा देते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार ऑप्शन है। आप लोगों ने वेद पढ़े हैं, जैसे सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद आप लोगों ने पढ़ने से पहले पढ़ा था कि भाई एक व्यक्ति है महर्षि कृष्ण देवपन वेद व्यास, उनके द्वारा सारे वेदों को संकलित किया गया था, असेंबल किया गया था। जब सभी वेदों को उन्होंने असेंबल किया था तो उन्हीं वेदों में से एक वेद है ऋग्वेद। आंसर लग रहे भाई बी बी बी, बहुत अच्छे। अभी आप लोगों ने ऋग्वेद पढ़ा तो ऋग्वेद सबसे बड़ा सबसे प्राचीन है भाई, सबसे ज्यादा समय लगा उसके अंदर, 10 मंडल है। अब उन्हीं 10 मंडलों में एक 10th मंडल है, उस 10th मंडल के अंदर हमें इस बात की जानकारी मिलती है, इस वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें कहां मिलती है, तो 10th शेड्यूल के अंदर, 10th मंडल के अंदर। 10वां मंडल ऋग्वेद का हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी देता है, उसने बताया कि भाई आदि पुरुष ब्रह्मा था, उसके मुख से ब्राह्मण निकले, वे सारे के सारे पूजा पाठ करने का कार्य करते हैं, भुजाओं से क्षत्रिय निकले सुरक्षा करने का काम करते हैं, जांघाओं से या पीठ से वैश्य निकले जो व्यापार करने का काम करते हैं, और चरणों से शूद्र निकले जो साफ सफाई का कार्य करते हैं। अब इन चार भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया, जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम लोगों ने सारे के सारे पढ़े तो इन्हीं के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि भाई उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी, जैसे ये हम बातें कर रहे हैं 1500 BC से लेकर 600 BC, 1500 BC से 600 BC हम लोग ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि इसी के अंदर आप लोग ऋग्वेदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड, ऋग्वेदिक काल और पोस्ट वैदिक काल आप लोग इसी के अंदर पढ़ते हैं। इसी के अंदर चार वेद पढ़ते हैं हम लोग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद। ऋग्वेद 1500 BC से लेकर 1000 BC तक लिखा गया, लगभग 500 साल लग गए, 500 सालों में एक वेद बना ऋग्वेद। उसी ऋग्वेद के अंदर हमें पता चला कि जो वर्ण व्यवस्था है उस समय कर्म पर आधारित थी, यानी जो जैसे काम करेगा वो वैसा कहलाऊगा। अगर ब्राह्मण के घर में कोई पावरफुल व्यक्ति पैदा हो गया तो वो क्षत्रिय कहलाता था, अगर कोई क्षत्रिय के घर में व्यापार करने वाला व्यक्ति पैदा हो गया तो वो वैसे कहलाता था। लेकिन आज वर्ण व्यवस्था हम लोग देखते हैं जन्म पर आधारित है, जो जिसके घर जन्म लेगा वो उसी का है, वही उसकी वर्ण व्यवस्था है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को पता है ब्राह्मण क्या करते थे भाई, ये सारे के सारे
पूजा पाठ करने का कार्य करते थे, शिक्षा देने का कार्य करते थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। लॉर्ड माउंटबेटन रिप्लेस्ड लॉर्ड वेवल एज वॉइस ऑफ इंडिया इन द ईयर। जो लॉर्ड वेवल है इसका टेन्योर याद रखना आप लोगों ने, लॉर्ड वेवल का टेन्योर क्या भारत के अंदर, तो 1943 टू 1947 लॉर्ड वेवल का कार्यकाल है। आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा होगा कि भारत के अंदर पहली बार इंतरिम गवर्नमेंट, संविधान सभा की पहली बार इंतरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार बनी थी, इंतरिम गवर्नमेंट। जब इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी तो इसी इंतरिम गवर्नमेंट के अंदर किस तारीख को बनी थी, एक तो 2 सितंबर 1946। अब भारत के अंदर क्या होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन को जीत भी जाएंगे, फिर उसके बाद वो प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए एक पेज पर सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर लेंगे, बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट हैं, कि सर मैं अभी राष्ट्रपति के पास जाऊंगा और ये पेज दिखाऊंगा कि सर मेरे पास इतना बड़ा बहुमत है, आप मेरे को भारत का प्रधानमंत्री घोषित कर दो। उस समय एसआई जवाहरलाल नेहरू ने किया, सभी का बहुमत लेके किसके पास गए, तो सभी का बहुमत देने के बाद वो लॉर्ड वेवल के पास गए। लॉर्ड वेवल को बोला कि सर मेरे पास ये है सबका बहुमत, अब मुझे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाओ। जब इंतरिम सरकार बनी तो इंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन बना, लॉर्ड वेवल। क्योंकि अभी हम लोग पढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, अभी हम लोग ये पढ़ते हैं। उसी समय ऐसी ही बातें इंप्लीमेंट हुई थी, इनको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाई जिसका अध्यक्ष कौन बना, उसका अध्यक्ष बना प्रधानमंत्री, कौन, तो जवाहरलाल नेहरू। तो लॉर्ड वेवल के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं आप लोग। इसके बाद रिप्लेस के बारे में पूछा गया कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कब रिप्लेस किया था इनको, तो लॉर्ड माउंटबेटन आपने पढ़ा, पता भाई स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। हमने इनके ऊपर थोड़ा सा तरस आ गया क्योंकि आप लोगों ने जवाहरलाल नेहरू और एडविना की प्रेम कहानी पढ़ी, एडविना इनकी पत्नी थी, लेटर जाते थे भाई जहाजों से जवाहरलाल नेहरू के, तो भाई 143 आर्टिकल का के पूछे से तू, ये तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता प्रेसिडेंट, विजय कहाँ कहाँ क्या क्या घुसान लग रहा है भाई। लॉर्ड माउंटबेटन भाई, तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू बोले कोई नहीं आपको भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना देते हैं। बाद में वह सी राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल हैं, उनको हटा दिया गया। फिर भारत के अंदर 24 जनवरी 1950 इस पोस्ट को खत्म कर दिया और 26 जनवरी 1950 एक नई पोस्ट बना दी जिसको आप लोग प्रेसिडेंट के नाम से पढ़ते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। अभी जो लॉर्ड माउंटबेटन ये तो भारत का बन गया था, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया कि भाई हम लोग अंग्रेज को नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। हमने इतना तो पता है भाई 1947 पहली बार क्या हुआ था, 47 में लॉर्ड वेवल को रिप्लेस करके माउंटबेटन आया था। फिर अपने साथ ये दो प्लान लेकर आया था, एक तो देश के दो बंटवारे कर दिए और एक संविधान सभा के दो बंटवारे कर दिए। आप लोगों ने पढ़ा माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। मेडिवल मुस्लिम ट्रेवल इब्न बतूता ऑथर्ड द फेमस ट्रेवल बुक। आप लोगों ने शायद एक कपिल शर्मा शो में सुना होगा, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ, यानी घूमते रहा करो ये मेरा कदम मर जाओगे, ऐसा इसके अंदर बताया गया। लेकिन अगर पैसा वही तो घूमेगा, बिना पैसे वाला कैसे घूमेगा, पहले सफलता ज़रूरी है, सफलता मिलने के बाद ये कार्य होंगे, क्योंकि अधूरी सफलता सुनने के समान है। तो भाई मेडिवल मुस्लिम ट्रेवलर है इब्न बतूता, बहुत भयंकर आदमी भाई, यो भारत के अंदर आया था, यो घनी फेंक गया भारत के बारे में, बटरिंग कर गया। बटरिंग एक शब्द पढ़ा हुआ आप लोगों ने, मक्खन लगा दिया। जब इसने मक्खन लगाया भारत के अंदर तो क्या मक्खन लगा दिया, इसने अपनी किताब के अंदर लिख दिया, इसने किताब लिखी सफरनामा, उसके अंदर लिख दिया कि भाई भारत के अंदर दिल्ली विश्व का सबसे समृद्ध शहर है। पेपर के अंदर पूछा भी गया था कि विश्व का सबसे समृद्ध शहर दिल्ली किस पुस्तक में मेंशन किया गया है, तो इसकी सफरनामा मेंशन किया गया इब्न बतूता की। जब इब्न बतूता भारत के अंदर आया तो इसने बोला भाई मोहम्मद बिन तुगलक, उस समय एक पागल आदमी भारत के ऊपर रूल कर रहा था दिल्ली सल्तनत में, मोहम्मद बिन तुगलक, वैसे वो दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान है लेकिन वो पागल था। पागल क्या, उसने कुछ ऐसे कांड कर दिए, हम लोग उनके कांड के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या कांड करे, इसी कांड वो पागल कहलाया करता। जब वो पागल शासक था तो उसी समय इब्न बतूता आया था, इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। काजी क्या होता है, काजी इस्लाम धर्म में एक पोस्ट है जिसका अर्थ है धार्मिक न्यायाधीश। जब इसको काजी अपॉइंट कराया तो इसने किताब में बड़ा चढ़ा कर लिख दिया, क्योंकि हमने इसको बहुत इज्जत दे दी मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्योंकि उसने पता था ये इतिहास लिख रहा है, आगे चल के बच्चे पढ़ेंगे तो कहेंगे भाई एक नंबर का सौदा था ये, मरा दादा उस दादा ने अगर 500 की ले, ईब हम लोग हैं। आप अपने बारे में सोचो कि अगर आपके पास पैसा होगा तो आप क्या करेंगे, आपके किस काम का, वो
वैसे तो आदमी का गुजारा 1,000-10,000 में 20,000 में गुजारा हो जाता है, लेकिन फिर भी इंसान की सोच हो कि भाई पैसे से मन नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? क्योंकि वो ये चाह मेरे बेटे के पास जाएगा, बेटे से बेटे के पास जाएगा। अपना नाम अमर कराने के लिए आदमी पैसों की दौड़ में भाग रहा है, वरना अपना गुजारा तो भाई सुबह शाम की रोटी है। 10-20 लाख रुपये कमा लो, बैंक में दे दो, बैंक में तो ब्याज आ जाएगा और रोटी खाए जाओ। लेकिन फिर भी इंसान लगातार मेहनत करता रहे। जब मेहनत करता रहे, क्यों? क्योंकि उसने नाम कमाना है। अब ऐसा ही मोहम्मद बिन तुगलक के साथ था। मोहम्मद बिन तुगलक अपना नाम कमाना चाहता था, इसी कारण उसने इबन बतूता को भारत के अंदर बहुत सारी इज्जत दे दी। ले भाई इज्जत ले तू। इसने क्या कराया, यो इतिहास को लिखता था, इसने इतिहास में लिख दिया भाई विश्व का सबसे समृद्ध शहर दिल्ली है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली के अंदर सोने के कुएं होते थे, सोने का महल था। ऐसी ऐसी बातें लिख दी जो अनबिलीवेबल है। किस पुस्तक के अंदर? सफरनामा। उसी सफरनामा को आप किस नाम से जानते हैं? तो रैला। इसका आंसर वैसे रैला है। इसमें और भी बहुत सारी किताब है, जैसे पादशाहनामा। पादशाहनामा किसकी किताब है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी, उनकी एक किताब है पादशाहनामा। पादशाह का मतलब होता भाई बादशाह, स्थिर शासक, यानी कहीं का जो परमानेंट शासक हो उसी को। अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा एक किताब लिखी गई है पादशाहनामा, ठीक है। इसके बाद एक और पुस्तक है जफरनामा। जफरनामा एग्जाम के अंदर पूछी गई है। जफरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने ये बोला था कि मेरे बाद कोई भी सिख गुरु नहीं होगा। उसी गुरु गोविंद सिंह की एक किताब है जफरनामा। यह जफरनामा किसने लिखी थी? तो गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10 के 10 गुरु पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन ये खमास नाम की कोई किताब नहीं, आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे रेला, इसी को हम लोग सफरनामा के नाम से जानते हैं। सफरनामा ही रेला है, रेला ही सफरनामा है। हम लोग इबन बतूता के बारे में भाई बहुत सारी बातें करते हैं, कोई कैसे कैसे भारत के अंदर आया था, कहाँ कहाँ फंसा था, इसने पूरा विश्व घूमना था। ये घूमने का क्रेज है, ये इसी की देन है, सब घूमते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। वोमेश चंद्र बनर्जी प्रेजाइडेड ओवर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885 एंड एट अलाहाबाद इन। वोमेश चंद्र बनर्जी, हमें पता भाई 1885 जब कांग्रेस का बंबई के अंदर अधिवेशन हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, उस समय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन इन्होंने एक बार और कांग्रेस की अध्यक्षता करी। पूछिए किस साल करी थी? 1886। तो 1886 के बारे में हमने पढ़ा दादा भाई नारोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है पॉवर्टी एंड अनबिलिटीज रूल इन इंडिया। इसी के साथ आप लोगों ने 1892 की बात करूं मैं, तो 1892 में यही पट पट की आवाज़ आई, बाहर गोली चल रहे हैं, गोली या शायद बम फूट रहे हैं, बट है बट की आवाज़ आने लग रही है। मेरे को भी महसूस हो रही थोड़ी थोड़ी, वैसे ये माइक इतनी दूर की आवाज़ कैप्चर करता है, लेकिन मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तब ये बोलते आवाज़ नहीं आ रही। तो भाई आप लोगों ने याद रखना 1892 वोमेश चंद्र बनर्जी ने दोबारा से कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज स्वोर्न इन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इन सितंबर 2021। सितंबर 2021 हमारे काम का है नहीं, देखो मैं इसीलिए बार बार मुख्यमंत्री रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री एग्जाम के अंदर आते हैं। मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आता है, राज्यपाल से क्वेश्चन आता है, या फिर किसी भी देश के प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बहुत फैमिलियर है डीटर प्लस बी के साथ। तो यहाँ पर पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज स्वोर्न इन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब का मुख्यमंत्री अभी कौन है? उस समय की अगर मैं बात करूं तो चरणजीत सिंह चन्नी है। ये इससे पहले अमरिंदर सिंह थे बीजेपी पार्टी के, लेकिन बाद में कांग्रेस की सरकार आई तो चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया। लेकिन अब तो वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन वहां का मुख्यमंत्री है? तो आप लोग नाम याद रखेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान। भगवंत मान जो एक एक्टर भी हैं, उन्हीं भगवंत मान को सीएम बनाया गया है। कहाँ का? तो पंजाब का, ठीक है। पंजाब का भी राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, वो अट गए, ठीक है। चरणजीत सिंह चन्नी उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब कौन है? भगवंत मान। भगवंत मान ने अभी वहां पर बहुत सारी सेवाएं शुरू करी है, जैसे सड़क सुरक्षा के लिए 6,000 सिपाहियों की भर्ती करी है। पंजाब भगवंत मान प्रेसिडेंट, ठीक है। मुख्यमंत्री याद रखने भाई सभी राज्यों के, आप लोगों ने एक करके। इन अक्टूबर 2021 नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नमामि गंगे योजना की बात करें भाई, डिक्लेयर्ड कॉमिक बुक कैरेक्टर एज द मस्कट ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम। जैसे आप लोगों ने G20 के अंदर पढ़ा था, G20 के अंदर एक स्लोगन चल रहा था, क्या स्लोगन था? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद। ऐसे ही या तो पेपर के अंदर मोटो पूछेगा, या क्या पूछेगा, या उसका मस्कट पूछेगा। तो ऐसे मस्कट पूछा गया, तो आप लोगों से नमामि गंगे प्रोग्राम का मस्कट पूछा, तो आप लोगों ने याद रखना है चाचा चौधरी। चाचा चौधरी एक वो खाने का भी आता था, एक नाटक भी आता था,
उसी चाचा चौधरी को मस्कट नामामि गंगे प्रोग्राम के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा, ठीक है। गंगा भाई आप लोगों को पता है गंगा आज के समय बहुत प्रदूषित है, लेकिन अगर हम इसको 10 साल तक ऐसे छोड़ दें, इसमें कूड़ा ना डालें, क्योंकि आप लोगों को पता है कानपुर मिनी पाकिस्तान चमड़ा नगरी है, अब वो सारा का सारा चमड़े का वेस्टेज उसके अंदर डाल देता है जिसके कारण गंगा प्रदूषित हो जाती है। लेकिन गंगा के अंदर एक बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पाया जाता है, वो बैक्टीरियोफेज वायरस इतना असली प्रभावी है कि अगर वो पानी के अंदर रहे तो पानी के अंदर रहने के बाद वो पानी को साफ कर देता है, उसके कीटाणु को खा लेता है। जब खा लेता है तो वो बैक्टीरियोफेज वायरस हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, गंगा के अंदर पाया जाता है। लेकिन गंगा बहुत खराब चल रही भाई, गाना भी है गंगा मैली गंगा मैली। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, अभी इंडियन पीनल कोड की बात की गई है आईपीसी, तो अगर एग्जाम के अंदर पूछे भारत के अंदर आईपीसी कब आई थी, तो भारत के अंदर आई थी 1862 1862 भारत के अंदर आईपीसी सीआरपीसी कौन लेके आया था, तो एक आदमी पढ़े आप लोगों ने लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो भारत का पहला वायसराय था रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद भारत का वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। इंडियन पीनल कोड और इसी समय सीआरपीसी आई थी, ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है, निब तोड़ देते हैं, इसीलिए हमारे पैन क्या निब नहीं, ठीक है। राम तेरी गंगा मैली, ऐसे बहुत सारे गाने हैं। तो इंडियन पीनल कोड डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, भारतीय दंड संहिता की धारा। देखो ये क्वेश्चन ये मत सोचना ये आईपीसी कहां से पूछ लिया, आईपीसी सिलेबस के अंदर नहीं। क्या हुआ था, एक बार हरियाणा पुलिस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था मैं, तो उस समय हरियाणा का जो एचएसएससी बोर्ड है उसकी घोषणा आई कि भाई हम लोग जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उससे 20 क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम बहुत एजिटेट हो गए यार, उससे क्वेश्चन पूछेंगे, तो हम लोगों ने तुरंत कंप्यूटर की उसकी पुस्तक उठाई आईपीसी सीआरपीसी, क्योंकि हम तो हरियाणा पुलिस की तैयारी करनी थी, हरियाणा पुलिस की तैयारी के लिए हमने आईपीसी सीआरपीसी पढ़ दी, बाद में पता चला उसे क्वेश्चन ही नहीं आते। क्वेश्चन तो उनके लिए बोला गया था जिनकी पोस्ट प्रेफरेंस थी, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने आईपीसी नहीं पढ़नी, ये क्वेश्चन ऐसा जो रिपीटेशन पर इसीलिए मैंने उठाकर डाल दिया, अदरवाइज मैं इसको हटा भी सकूंगा। लेकिन अगर रिपीटेशन पर तो हम एक क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा आईपीसी के बारे में कि भाई आईपीसी का क्या क्वेश्चन आया है। तो आईपीसी से क्वेश्चन आया है भारतीय दंड संहिता की धारा डैश उन अपराधों की सजा से संबंधित है जो भारत में कानून द्वारा किए जा सकते हैं, तो आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है। तीन आईपीसी की धारा तीन, एक है पेपर माया इसी कारण मन करवाया है, अदरवाइज मैं छोड़ देता इसको। अगला, राजेंद्र प्रसाद वाज नॉट अ चेयरमैन ऑफ डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, संविधान सभा के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी, जैसे आप लोगों ने ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़ी जिसके चेयरपर्सन भीमराव अंबेडकर पढ़े, अभी उन्हीं भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता बोलते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो ये राजेंद्र प्रसाद भी ऐसे बहुत सारी समितियों के अध्यक्ष थे, पूछा गया इनमें से कौन सी समिति ऐसी है जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। जैसे आप लोगों ने एक फ्लैग कमेटी पढ़ी, फ्लैग कमेटी के पहले चेयरपर्सन राजेंद्र प्रसाद थे, फिर इनको हटाकर कौन लेकर आए थे हम लोग, जेबी कृपलानी। अभी आप लोग जेपी कृपलानी के बारे में पढ़ते हैं कि भाई फ्लैग कमेटी झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, जेपी कृपलानी। मानवाधिकारों के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब संघ शक्ति समिति, संघ संचालन समिति, गलत आंसर है भाई नीतू विजय आकाश, सभी गलत आंसर देने लग रहे हो, क्या आपने कमेटी नहीं पढ़ी, पॉलिटिकल के अंदर टॉपिक है एक संविधान सभा की प्रमुख समितियां, मेजर कमिटीज फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऐसा मत करो भाई, मेजर कमिटीज फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये टॉपिक है पॉलिटी का। ये टॉपिक है पॉलिटी का, याद रखो 11 टॉपिक लिखवा रखे मैंने, पॉलिटी दो भागों में विभाजित है भाई, एक पॉलिटी पढ़ते हो आप लोग जिसका पिता आप लोगों ने अरस्तु पढ़ा, एक आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं जेम्स मेडिसन जिसका पिता पढ़े आप लोगों ने, इस पॉलिटी के अंदर टॉपिक पढ़ते हैं आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसी के अंदर आप एक टॉपिक पढ़ते हैं संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर आप लोग इसी के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको आप लोगों ने नाम दे रखा है मेजर कमिटीज फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके बाद इसी में पढ़ते हैं फॉरेन सोर्सेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे टॉपिक है पॉलिटी के। आप लोगों ने अगर D++B का पूरा स्टेटमेंट चेक किया हो तो ऐसे लिखा होगा वहां पर पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्या पढ़ते हैं, प्रेम्बल, प्रेम्बल के बाद क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर हम लोग शेड्यूल्स पढ़ते हैं अनुसूचियां, शेड्यूल के बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग, शेड्यूल के बाद पार्ट्स, पार्ट्स के बाद क्या पढ़ते हैं आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या पढ़ते हैं संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये टॉपिक्स आप लोगों ने सारे के सारे क्लियर होने चाहिए,
अदरवाइज आप मूर्खता बरत रहे हो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे, मैं अभी के लिए बता दूं, लेकिन सारी की सारी समितियां याद करेंगे आप लोग, क्योंकि समितियों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समितियों में जो स्टेट कमेटी है, इसमें स्टेट कमेटी के चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा तीनों की तीनों कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, तो उनके चेयरपर्सन थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस म्यूजिक ऑफ सिक्किम, सिक्किम का फेमस म्यूजिक कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए यहां पर, गोडवाल, पणियारी, काकुकू, मांड, इन चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। यार ऐसी हरकत मत करो, ये आए हुए मत करो भाई, अपने काम तो काम रखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस ऑन स्टडी। ये दो दिन के चोचले हैं, इसे बड़े खिलाड़ी ना हो आप लोग, कोई एक बन हो गया लागी ने गूदड़ी ना संगवाई जागी आप तक, रियलिटी है। अरे गणी मरोड शादी करके देख लो, यूँ सोचोगे अंधेरा सा हो जब घर ना जाऊँगा। ठीक है, तो ऐसे काम मत करो आप जिससे आप पर लांसन लगे, इतने अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो यार, पढ़ लो थोड़ा सा, पढ़ाई पे फोकस करोगे तो कि मैं लिख रहा होगा, ये मैसेज आपको सुना आया कर भाई, थोड़ा पढ़ लेगा पेपर पाट जाएगा, बीत बानी सुतरी आ जाएगी, ना तक आंडा कुछ दूसरे स्टेट के अंदर 40-50 हज़ार रुपये ले गए। ऐसा मत करो आप लोग, पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ऐसा काम करें, थोड़ा सा यार अजीब सा लगा, मेरा ध्यान चले जा, फिर मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ, घर से ठाले फिर यहाँ पर करने, कोई नहीं चाहिए आप गुस्सा मत करो। क्वेश्चन पूछा गया भाई, फॉलोइंग द फेमस म्यूजिक ऑफ सिक्किम, सिक्किम का फेमस म्यूजिक, एक तो हम लोगों ने लेप्चा भोटिया जनजाति पढ़ी यहाँ पे, नाथुला जेल पदर्रा पढ़ा है, सिक्किम भारत का हिस्सा था नहीं लेकिन बाद में बनाया गया। ठीक है, इसी सिक्किम के बारे में हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हैं, भारत का पूर्ण रूप से जैविक राज्य सिक्किम, 500,000 जनसंख्या केवल, बहुत पावरफुल राज्य भाई सिक्किम, राजधानी गंगटोक पढ़ी हम लोगों ने, कंचनजंगा का जिक्र कर रहे थे अभी। ठीक है, ठीक है, तो इसी के अंदर याद रखना आप लोगों ने, सिक्किम के अंदर काकुकू जो म्यूजिक है वो सिक्किम का है, इसके अंदर और भी बहुत हैं, जैसे पणियारी वैसे तो ऐसा लगता है हरियाणा का है, अड़वे चाल कदे रे तेरा आल लाग जा पणियारी, मतलब आराम आराम से चल कदे पानी ना हिल जा तू, पणियारी डांस वैसे तो गाना हरियाणा का है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने पणियारी के बारे में याद रखना, ये म्यूजिक कहाँ का है, ये राजस्थान का, इसके अंदर एक गोंदल दे रखा है, ये गोंदल कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र, इसके बाद मांड दे रखा है, ये कहाँ का, ये भी राजस्थान का, ये सारे के सारे म्यूजिक हैं भाई, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन में, नारायण राव राजहंस द मास्टर ऑफ नाट्य संगीत इज पॉपुलरली नोन एज, नाट्य संगीत के गुरु नारायण राव राजहंस को किस नाम से जाना जाता है, नारायण राव राजहंस को किस नाम से जाना जाता है, चार ऑप्शन दिए आपके सामने, बाल नर्तक, नर्तकी की मूर्ति हम लोगों ने मोहन जोदड़ो से मिली, इसके बाद बाल तानसेन हमने एक व्यक्ति पढ़ा है जो अकबर के दरबार में नवरत्नों के अंदर इंप्लीमेंट था, उसी हम लोग तानसेन के बारे में पढ़ते हैं भाई, बहुत सुंदर गाता था ये, इसके बाद बाल नटराज, नटराज की मूर्ति हमें मोहन जोदड़ो से मिली भाई, नटराज की पेंसिल आती थी, पेंसिल के अंदर भगवान शिव का रूप है, वैसे तो नटराज का एक चित्र होता था वो नटराज, इसके बाद है बाल गंधर्व, तो इसका आंसर क्या है, तो बाल गंधर्व, नाट्य संगीत के गुरु नारायण राव राजहंस को हम लोग बाल गंधर्व के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन लेंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, करंट अफेयर में एक टॉपिक और इम्प्लीमेंट कर लेना आप लोग, या आप इसमें स्टैटिक में भी योजनाएं पेपर पूछता है, जो योजना पेपर के अंदर पूछी जाती है आप लोगों को याद होनी चाहिए, मैं आप लोगों को जैसे ही पेपर आएगा तो ऐसे ऐसे टॉपिक जो मेरे को ज्वलंत मुद्दे लगेंगे आप लोगों को कवर कराने का काम करूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ एग्जाम तक जुड़े रहोगे, क्योंकि भाई जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया ना एग्जाम के लिए, ये बम इतने पाटे हैं भाई, आवाज़ आती होगी मेरे हिसाब से ज़रूर, पता नहीं की का ब्याह है की का ना सुन लाग। इसके अंदर भाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY वाज इंट्रोड्यूस्ड नेशनली ऑन 9 मई 2015, बहुत अच्छे, मन मिसी का गलत है आपका, गुलिया का भी गलत है भाई, विजय गलत आंसर दे रहे हो, 9 मई 2015 इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में आप लोग 1914 के बाद, थैंक यू सर इतना डीप पढ़ाने के लिए, सर क्या ये प्रैक्टिस सेट सफिशेंट है पेपर के लिए, देखो भाई अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने जीएस पढ़ रखा है ना तो सफिशेंट है, अगर जीएस का सिलेबस नहीं कराया तो सिलेबस जरूर कर लेना, मेरी बात याद रखियो, क्योंकि सिलेबस कवर होने के बाद अभी प्रैक्टिस सेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो
क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में और किसी में तो आए हैं, एसएससी वगैरह में तो आए हैं लेकिन लीटर पर नहीं आए, तो उनको मैं स्किप करके चल रहा हूँ, लेकिन सिलेबस आपने कवर करने पड़ेंगे, क्या पता आपकी बार पूछ ले। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करें, मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा, मैक्सिमम चीज़ें सोचूंगा मैं आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि मैं तो आप लोगों को पता है आप लोगों को समर्पित हूँ लीटर प्लस बी की वैकेंसी के लिए। अगला, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वाज इंट्रोड्यूस नेशनली ओन, ये क्वेश्चन शायद गलत हो गया, ये क्वेश्चन सेम हो गया, कोई नहीं, इस क्वेश्चन को हम लोग और तरीके से पढ़ लेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं भाई, क्योंकि इस क्वेश्चन का कोर्स और ये है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन का आंसर अगर है तो ये आरबीआई के रिगार्डिंग है, मेरे को सीडीआर लग रहा है, ये सीडीआर किसके बराबर होता है, तो सीडीआर बराबर होता है सीयू और डीडी, डिमांड डिपॉजिट, आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, ये देख लेना। ठीक है, जीएसके किससे की पूरी होती है सर, आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। द 2028 ओलंपिक्स आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट, 2028 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे, अभी 2020 के 2021 में कहाँ हुए थे, टोक्यो जापान के अंदर, 2024 में अभी फ्रांस के अंदर होंगे, पेरिस के अंदर, 2028 में कहाँ होंगे, लॉस एंजलस अमेरिका। अच्छा, एक और करंट अफेयर क्वेश्चन बताता हूँ, पेपर में 100% देखने को मिलेगा आप लोगों ने, अभी जाकिर हुसैन जो तबला वादक है, जाकिर हुसैन के साथ तीन व्यक्ति और भारत के, चाहे वो आर्य प्रसाद चौरसिया हैं, इन सभी को आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग ये पाएंगे कि भाई इन सभी को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, ये कहाँ से दिया जाता है, तो ये लॉस एंजलस अमेरिका से दिया जाता है। ठीक है, इसको विश्व का हॉलीवुड के नाम से भी जानते हैं हम लोग, हॉलीवुड ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, हॉलीवुड के नाम से भी जानते हैं हम लोग, लॉस एंजलस अमेरिका के अंदर है, जापान तो पढ़ाई हम लोगों ने, ये चार नाम याद कर लियो भाई, आज के अखबार में फ्रंट पेज पर डाल रखा है, चारों के चारों व्यक्ति ग्रैमी अवार्ड मिले इनको। ठीक है, द मूवमेंट के लिए आप लोगों ने एक टेलर स्विफ्ट पढ़ा, उस टेलर स्विफ्ट की ही बुक को, एल्बम को, ये किताब मिला आपकी बार लॉस एंजलिस का, आज ही का ही, आज के ही अखबार में चेक कर लेना आप, आज के अखबार में ये मेंशन है। इन विच ईयर वाज द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार की बात करी गई है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, वैसे हम लोग सिंगापुर के अंदर पढ़े थे, अगर कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की बात करूं आप लोगों ने तो ये पहली बार कहां हुए थे, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के अंदर पहली बार कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हेल्ड हुए थे, साल पूछा 2000, 2010, 2007, 2004, तो आप लोग इसका आंसर बताने का काम करेंगे, किस साल पहली बार कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। आप कॉमनवेल्थ को भाई सेकंड लार्जेस्ट गेम याद रखना, सबसे पहले हम लोग ओलंपिक पढ़ते हैं, ओलंपिक के बाद हम लोग सेकंड लार्जेस्ट गेम कॉमनवेल्थ को ही पढ़ते हैं, फिर हम एशियन गेम्स को पढ़ते हैं, ये सारा का सारा सिमेट्री है, फिर आप नेशनल गेम पढ़ते हैं भारत के अंदर कौन कौन से गेम हुए, तो आप लोग याद रखेंगे 2000, बहुत अच्छे भाई, 2000 के अंदर कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स शुरू हुए थे पहली बार, हुए कहाँ पर थे, तो स्कॉटलैंड। स्नैच एंड क्लीन, स्नैच एंड क्लीन इज अ टेक्निक ऑफ विच स्पोर्ट, स्नैच एंड क्लीन शायद आप लोगों को याद हो, एक महिला है मीराबाई चानू, जिन्होंने जापान के अंदर टोक्यो ओलंपिक में पहली बार मेडल जीता था, पहला मेडल उनके द्वारा जीता गया था, जो रजत पदक है, उसने ऐसे बोलते हैं एक बार ऐसे उठाया, फिर यहाँ रख लिया, फिर यहाँ से ऐसे करके यहाँ उठाते, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उस खेल का नाम पूछ सके यहाँ पर, एक बार हम क्या करते हैं, नीचे रखी है एक रोड, उस रोड को उठाते हैं, उठाकर कंधों पर लेकर आते हैं, फिर एकदम आगे पैर रखकर एकदम ऊपर उठा देते हैं। ठीक है, उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग के नाम से, चने स्नैच एंड क्लीन, ये दोनों के दोनों वेट लिफ्टिंग से भारोत्तोलन से संबंधित, कर्णम मल्लेश्वरी आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, कर्णम मल्लेश्वरी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, मुक्केबाज में लवलीना बोरगोहेन काम के हमारे, बास्केटबॉल में कोई काम का कौन है, कबड्डी के अंदर भी भाई बहुत सारे आदमी काम के, हाँ भाई आज अरमन क्या बात कर दी यार क्लास के अंदर। अगला भाई, समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडलीय परत सौ मंडल के बीच स्थित है, स्ट्रेटोस्फीयर द लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर लाइज बिटवीन द ट्रोपोस्फीयर एंड, आप लोगों ने ऐसे पढ़ी होगी भाई, सौ मंडल है 18 से 80 किलोमीटर तक, फिर सौ मंडल के बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर वायुमंडल, ये सारे के सारे मंडल हैं वातावरण एटमोस्फेयर में, आप लोग इस टॉपिक को कवर करने का काम करते हैं ज्योग्राफी के अंदर, जब इसके अंदर देखते हैं भाई किसके अंदर जहाज उड़ते हैं समताप मंडल के अंदर, कहाँ पर एक गैस पाई जाती है, जब उस गैस के बारे में पढ़ते हैं तो O3 ओजोन की परत है, ये ओजोन की परत में छेद होने के कारण जो वहाँ से किरण आती है सूर्य से हानिकारक, उन्हीं हानिकारक किरणों के कारण कैंसर हो जाता है, हम लोग कीमोथेरेपी पढ़ते हैं। ठीक है, इसी के बारे में जिक्र किया गया भाई, तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में जो है उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो आंसर देने का काम करेंगे, सारे के सारे याद होंगे वैसे तो आप लोगों को कि भाई कहाँ पर कौन सा मंडल है, तो इसका आंसर याद रखना लोगों ने मध्य मंडल मीजोस्फीयर, आप लोगों ने ये गैस भी याद रखनी O3 ओजोन परत,
ओजोन को हम लोग डोबसन में नापते हैं, पेपर में पूछा भी गया था ओजोन किसका किसे मापते हैं, डोबसन में। अगला है एंगस्ट्रोम इज ए यूनिट ऑफ लेंथ विच इज इक्वल टू, एंगस्ट्रोम लंबाई की एक इकाई है जो किसके बराबर है, 0.001 सेंटीमीटर, 0.1 mm मिलीमीटर, 0.1 nm एंड 0.0001 मीटर। तो आप लोग आंसर करने का काम करेंगे, जो अपना एंगस्ट्रम है, एंगस्ट्रम कुलाम, ये सारे के सारे शब्द पढ़ने आप लोगों ने, मोहिनी गलत आंसर, रमन का सही आंसर है, रमन बहुत अच्छे भाई, 0.1 nm ये एंगस्ट्रोम है, एक यूनिट लेंथ इक्वल टू 0.1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम आप लोग याद रखना भाई, भारत के अंदर एक बहुत बड़ी कहानी है, हम कभी जिक्र करेंगे इंदिरा गांधी के बारे में, ड्यूटेरियम का बम फोड़ा था हमने 1974 में। वैसे आप लोगों को पता यूरेनियम प्लूटोनियम ड्यूटेरियम ये सारी बातें पढ़ते हैं आप लोग, अल्फा बीटा गामा ये रेज पढ़ते हैं, जमीन रेज के बारे में और इन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम के नाम से भी जाना जाता है, तो बारी जल इसको तो D2O बोलते हैं हम लोग, हमने पता है कि ये परमाणु भट्टी में मंदक का कार्य करता है, ठीक है, उसके अंदर ऐसे ऐसे मारते हैं हम लोग तो वो परमाणु जब तेज होता है तो उसको मंदक का काम करता है अपना D2O। ऑक्सीजन के बारे में सारे के सारे लिए, वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन, तो आप लोग याद रखना हैवी हाइड्रोजन या भारी हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम प्लूटोनियम और यूरेनियम ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं शायद आप लोग, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शनल कंटेन्स द प्लांटेशन क्रॉप्स ओनली, रोपण कृषि, रोपण फसलें कौन सी है भाई, रोपण फसलें इनमें से कौन सी है, चार सुने गए हैं, राइस कॉफी रबर उर्द, ये तो नहीं, चावल भाई आप लोगों ने क्या पानी दे दें। अगला कॉफी रबर बनाना वीट, फिर दोबारा गेहूं दे दिया यहां पर, इसके बाद कॉटन जूट कॉफी राइस, राइस दे दिया दोबारा से, टी कॉफी रबर बनाना, तो ये प्लांटेशन करो तो भाई आप लोगों को याद रहना, रोपण कृषि, रोपण कृषि आप लोगों एक टॉपिक पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, रोपण कृषि कौन सी है, झूम कृषि कौन सी है या स्थानांतरित कृषि कौन सी है, आप लोग ऐसे कृषियों के उदाहरण पढ़ेंगे, उन्हीं में से कृषि है रोपण कृषि, रोपण कृषि के उदाहरण भी याद रखने आप लोगों ने, टी है कॉफी है रबर है बनाना है, ये सारे के सारे रोपण कृषि के उदाहरण है। इसके अंदर कुछ इंप्लीमेंट कर दिया, जैसे इंक्लूड कर दिया राइस वीट, ना तो अदरवाइज हम लोग यहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकते थे ऑप्शन, लेकिन ये एलिमिनेट होते चले गए क्योंकि यहाँ हम लोगों ने कैसी फसलें दी गई, ठीक है ऐसी फसलें दी गई। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज अ फोल्ड माउंटेन विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कोनियल पीक्स, कौन सा पर्वत उबड़ खाबड़ उच्चावच और ऊंची शंकुआकार चोटियों द्वारा वलित पर्वत है, तो आप लोगों को पता भाई जो अपना भारत है, यो भारत यहाँ नहीं था, यो भारत पहले अफ्रीका के अंदर था, अफ्रीका से टूट कर आया गोंडवाला लैंड के हिस्से से और आकर अंगारा लैंड से टकराया और एक ऊंचा नीचा पर्वत बन गया वलित पर्वत, वलित पर्वत ब्लॉक पर्वत भ्रंश पर्वत ये सारे के सारे पर्वतों के उदाहरण है, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ना पर्वत ज्योग्राफी का वहां से क्वेश्चन उठा रखा है, ठीक है इसे पूछा गया है कि कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण है, तो आप लोग वैसे ही बता सकें किलिमंजारो कहां पर, सतपुड़ा कहां पर, विंध्याचल कहां पर, ये विंध्याचल सतपुड़ा भारत के अंदर पढ़ लिया आप लोगों ने, किलिमंजारो पढ़ ली, इसके अंदर ऑप्शन क्या है वलित पर्वत का उदाहरण, तो आप लोग याद रखेंगे भाई हिमालयन माउंटेन्स, बहुत अच्छे दीपक, हिमालयन माउंटेन्स एक वलित पर्वत का उदाहरण है और उबड़ खाबड़ भी है, ठीक है आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। बुलंद दरवाजा वाज कंस्ट्रक्टेड एट फतेहपुर सीकरी आफ्टर अकबर विक्ट्री ओवर, अकबर हम लोगों ने पता भाई बहुत महान शासक हुआ है, अकबर ने गुजरात को जीता था 1572, फिर बाद में 1573 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, 1572 के अंदर जब इसने गुजरात को जीता था, सॉरी इसने जीता था किसको, गुजरात को, सॉरी गुजरात को जीतने के बाद 1572 में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया फतेहपुर सीकरी के अंदर, फतेहपुर सीकरी हम लोगों ने शेख सलीम चिश्ती के लिए जाना है, तो गुजरात कब जीता था तो 1572 उसी समय इसने किसका निर्माण कराया बुलंद दरवाजे का, ठीक है आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ह्यूमन ब्लड प्रोटीन आर मोस्ट सिमिलर टू दोज ऑफ द डैश अमंग ऑल एप्स, मानव रक्त प्रोटीन सभी वानरों के बीच में समान है, इनमें से कौन सा वो, सियामांग चिंपेंजी गोरिल्ला गिब्बन, आप अपने आप को किससे कंपेयर करते हैं, गोरिल्ला से ऐसे ऐसे मारता है, गिब्बन से, चिंपेंजी से या फिर सियामांग, मानव रक्त कुछ कुछ सिमिलर है, मानव रक्त प्रोटीन किसके सिमिलर है, चिंपेंजी है गोरिल्ला गिब्बन है या सियामांग, तो आप लोग बताने का काम करेंगे, चिंपेंजी बहुत अच्छे मन, चिंपेंजी संबंधित है भाई बिल्कुल, मानव रक्त प्रोटीन चिंपेंजी आप लोग जाना है सारे सारे। अगला है
राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के अनुसार डैश शहर वह है जिसका अंक 33 से कम है और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय आपातकाल के कगार पर है, जिसके लिए तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। कैसा रंग है तो आप लोगों को पता, रेड है, लाल है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी था। अगले क्वेश्चन चलेंगे लोग। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता सिटीज इज लोकेटेड इन द नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। तो आप लोगों को पता भाई, नॉर्थ की अगर बात करें तो हम लोग डिजाइन कर लेंगे भारत को। जब भारत को डिजाइन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा नॉर्थ कहाँ पर, साउथ कहाँ पर, ईस्ट कहाँ पर है और वेस्ट कहाँ पर है। तो हम लोगों ने पता चला कि इसका नाम दिया गया प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ पर है? यूपी के अंदर। यूपी के अंदर प्रयागराज यहाँ पर। इसके बाद अगला दिया गया उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। इसके बाद अगला दिया गया मथुरा। मथुरा यूपी के अंदर। तो आप लोगों ने एक और नाम दिया गया थानेसर। थानेसर हरियाणा के अंदर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास थानेसर पड़ते हैं हम लोग। तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे थानेसर। थानेसर कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर है। स्थानेश्वर महादेव टेम्पल के लिए फेमस है। मोहम्मद गजनवी ने जब थानेसर पर अटैक किया था तो यहाँ पर मूर्ति बंधक का टाइटल मिला था उनको, एक मोहम्मद गजनवी को। उन्होंने मांस तोड़ने के लिए मूर्तियों का प्रयोग किया था। ठीक है, चक्कर स्वामी की मूर्ति खंडित कर दी थी, आप लोगों ने सुना होगा थोड़ा बहुत। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग वन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर पैरा एथलेटिक्स। ये पैरा एथलेटिक्स के लिए अभी 2020 में दिया गया था, अभी इसका नाम चेंज कर दिया। आप लोग इसे किस नाम से जानते हैं? तो आप लोगों को पता है, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर है, उनके नाम पर चेंज कर दिया। 25 लाख रुपये राशि दी जाती है अभी। ठीक है, तो पूछा गया है पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, आप लोगों ने पढ़ा है, विश्वनाथन आनंद को मिला था 1991 और 92। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी भाई, जब शुरुआत हुई तो इसका हमने नाम चेंज कर दिया, मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया। तो किस पैरा एथलीट को मिला था भाई? तो मणिका बत्रा, ये हम लोगों ने पता, बैडमिंटन से है, ये तो अच्छी खिलाड़ी है। रानी रामपाल, विनेश फोगाट, ये तीनों हम लोग जानते हैं। जो विनेश फोगाट है ये कुश्ती की पैरा एथलीट नहीं है। रानी रामपाल भी पैरा एथलीट नहीं है भाई, हॉकी की खिलाड़ी है। इसके अंदर मणिका बत्रा, ये भी पैरा एथलीट नहीं है। पैरा एथलीट क्या होता है भाई? जो शरीर से कहीं से दिव्यांग हो, वो दिव्यांग एथलीट के बारे में। तो मरियप्पन थंगावेलू, इनको मिला था विराट कोहली के साथ। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलू किसे संबंधित है? पैरा एथलीट है, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था इनको 2020 में। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय गैलीलियो गैलीली। दूरबीन की खोज पढ़ते वक्त आप लोगों ने गैलीलियो गैलीली जी का जिक्र किया था। इसने पूछा 1632, इसके अंदर इसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या? पहली है फिजिशिया, फिजिक्स, डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स। तो गैलीलियो की यही किताब है भाई, डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स। आप लोगों ने यह किताब याद रखनी है। वैसे आप लोगों ने लूसेंट मजला लिख रखे है, पुरानी ले रहा भाई, घनी पुरानी ले रहा है। उसके अंदर ये किताब भी मेंशन पा जाएगी आपने, डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स। ये किताब इसकी है, गैलीलियो गैलीली की। द लैंग्वेज दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में है नहीं? पहले 14 भाषा थी, अब 22 भाषा है। अभी इसी भाषाओं से क्वेश्चन है कि भाई कौन सी भाषा उसके अंदर इंप्लीमेंट नहीं है? उड़िया, उड़ीसा के अंदर, नेपाली, कन्नड़, भोजपुरी। तो भाई एक ही भाषा है, जिया हो बिहार के लाला गाना है, कमरिया अहं कमरिया कोरे लट्टा लू लोली पोप लागे लू। तो आप लोगों ने याद रखना भाई, भोजपुरी, जो भोजपुरी है वो 8वीं अनुसूची के अंदर नहीं। वैसे हम लोगों ने 22 भाषाएं पढ़ी है, बोडो डोगरी, मैथिली, संताली। ठीक है, इसी के अलावा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, ये सारी भाषाएं बाद में ऐड करी गई थी। पहले 14 थी, आज 22 है, उसके अंदर भोजपुरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर द लेजिस्लेटिव पावर डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। शक्तियों का बंटवारा, आप लोगों ने 12 की 12 अनुसूचियाँ पढ़ी है भाई। पहली में राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरी के अंदर वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ है, चौथी में एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट है, पांचवी में SC ST है, छठी में स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल स्टेट्स, सातवीं के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा तीन आधार पर है, एक तो यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट का उदाहरण हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से दिया, स्टेट लिस्ट राज्य की कार्य और यूनियन का कार्य। इसके बाद आप लोगों ने 8वीं अनुसूची भाषा पढ़ दी, 9वीं भूमि सुधार है, 10वीं आप लोगों ने दल बदल, 11वीं पंचायती राज और 12वीं म्यूनसिपैलिटी, ये सारी की सारी पढ़ी हैं। इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया कि शक्तियों का बंटवारा। वैसे हम लोग इसके अंदर कार्य देखते हैं भाई, पहले 97 विषय थे, अब 100 हो गए यूनियन के पास, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। स्टेट के पास पहले 66 थे, अब 61 हो गए। इसके पास पहले 46 थे, अब 52 हो गए। तो ये चेंज होते रहे भाई, आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग याद रखेंगे 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल के अंदर क्या भाई? शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। इसके बाद है
नट्टूपुरा कलाईपणी किसकी प्रसिद्ध लोक कला कला है? जैसे आर्ट एंड कल्चर आप लोग पढ़ते हैं, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में जब बात करते हैं तो दो भागों में पढ़ते हैं आप लोग, एक तो दृश्य, एक दृश्य, एक प्रदर्शन कला। उसी प्रदर्शन कला में आप लोग संगीत है या फिर संगीत, नाटक और डांस, ये तीनों पढ़ते हैं। जो दृश्य कला के अंदर देखते हैं वहीं पर हम लोग नाट्टू पुला कलीमणि के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि भाई ये किस राज्य से संबंधित है, तो चार राज्य दे दिए, मणिपुर, तमिलनाडु, कर्नाटक, मेघालय। अब सब से ही पता चल रहा है बहुत हैवी शब्द है, हैवी शब्द किस राज्य के अंदर बोला जाता है? आकाश, हर्ष, तन्नू, बहुत बढ़िया भाई। तो तमिलनाडु के अंदर बोला जाता है। तो नट्टू पुरा कलाईमणि कला का संबंध कहाँ से है? तो तमिलनाडु से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल, इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट फेस्टिवल नहीं भाई? अगर मैं इनकी ज्यादातर की बात करूं तो आप लोगों को पता है सागादावा कहाँ है? सिक्किम का। पांग लहुबसोल ये सिक्किम का भी है और गैलगैल तिब्बत के अंदर भी मनाया जाता है, तिब्बत के अंदर, ठीक है। ये सेंगची ये भी तिब्बत के अंदर मनाया जाता भाई, धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। लेकिन ये वाला है ये जैन धर्म का है, जैनियों का पवित्र बुद्धिस्ट फेस्टिवल, सॉरी जैनिज्म फेस्टिवल है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा, पर्युषणी पर्व, ये जैनियों का और सारे के सारे बौद्ध हो गए। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स फोकस ऑन सस्टेनेबल इक्वेलिटी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशंस? सीधा सीधा बात है, एग्रीकल्चर के बारे में जिक्र कर दिया। अब इसके अंदर एग्जिम दे रखा है, एग्जिम ही नहीं है, एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम इसका नाम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद नाबार्ड एग्रीकल्चर का सीधा सीधा शब्द दिया हम लोगों ने, सिडबी ऐसे मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगर सिडबी की बात करूँ तो लखनऊ के अंदर हेडक्वार्टर, HDFC की बात करूँ तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर, मुंबई के अंदर। तो वैसे इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई, केवल इसका याद रखना लखनऊ, ये तो वैसे याद हो जाएंगे। एग्जिम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 1982 में स्थापना हुई थी नाबार्ड, हम लोगों ने पढ़ा है 1992, इसी नाबार्ड से क्वेश्चन पूछा क्या, तो आप लोग याद रखेंगे। नाबार्ड जो किसी भी प्रकार का कृषि का या फिर ग्रामीण विकास का जिक्र करेंगे, क्योंकि इसके अंदर लिख रखा है एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ऑफ वुमेन्स इन इंडिया इन 2017-18? 2017-18 का पूछा गया है लेकिन हमारे काम का है नहीं, 2023-24 का हम लोगों ने चेक करना पड़ेगा, अभी चेक किया नहीं मैंने, शायद ये क्वेश्चन मेरी नजर से निकल गया, तो आप लोग चेक कर लेना एक बार। वर्कर पॉपुलेशन यानी अगर वर्कर पॉपुलेशन की बात करूं तो काम करने वाली महिलाएं कितने परसेंट हैं 2017-18 के अनुसार? तो काम करने वाली 2017-18 के अनुसार 16.5%। एक बार अभी और चेक कर लेना, अब इंक्रीज होगी होंगी क्योंकि महिलाएं लगातार इंडिपेंडेंट होने लग रही हैं। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। विच अमंग द दीज इज अ ट्रेडिशनल चाइनीज स्पोर्ट दैट केम इन इंडिया इन 1819? भारत के अंदर 1989 में एक खेल आया है, ये हम लोगों ने चाइना से आया है, कौन सा खेल है? अब जूडो है, जूडो कहाँ का है? जूडो तो जापान का है। अगर वुशु की बात करूँ तो चाइना का है, अगर ताइक्वांडो की बात करूँ तो जापान का है, अगर रग्बी की बात करूँ तो इंग्लैंड का है। ये तो भारत में खेला भी नहीं जाता, ये खेल क्यों नहीं जाता? क्योंकि भारत के अंदर कुछ कुछ मौसम ऐसा नहीं है हम इसे खेलिया, इसमें ऐसे भागते फुटबॉल की तरह खेलते हैं लेकिन इसके अंदर चपटा चपटी होती है, तो घास अच्छी चाहिए। हमारी घास कैसी है? हमारी घास सख्त है, अगर उस घास में हम लोग रिपटेंगे तो छुल जाएंगे कोनी कानी। तो यहाँ पे क्वेश्चन याद क्या रखा लो उन्हें, चाइना, क्योंकि ये सारे के तो अलग देश हैं, जूडो जापान का, ताइक्वांडो कोरिया का, कोरिया का भाई, कोरिया से याद रखना आप लोगों ने। इसके बाद रग्बी कहाँ का याद रखेंगे? इंग्लैंड का। और वुशु कहाँ का है? चाइना का। आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में, सर क्लास में सब 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 दिख रहा है, संजना पता नहीं क्या वगैरह भाई, मेरे को समझ में नहीं आया, सांप दिख रहा है। अगला, हु अमंग दीज इज नॉट अ ट्रैक एंड फील्ड एथलीट? निम्न में से कौन सी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट नहीं है? मनजीत कौर, चित्रा सोमन, पिंकी प्रमाणिक, ऋचा मिश्रा। तो आप लोग याद रखेंगे भाई, ऋचा मिश्रा ट्रैक एंड फील्ड एथलीट नहीं है, इसके अलावा सारे। लास्ट क्वेश्चन ये है भाई, अप्रैल 2020 में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था? 2020 का हमारे काम का है नहीं, इसे आप लोगों ने एक बात याद रखनी कि एम्बेसडर आते पेपर में DEEW में, तो एम्बेसडर अपने क्लियर करके जाएंगे पेपर देने से पहले कि एम्बेसडर कौन सा कहाँ का है। तो इसका आंसर तो विश्वनाथन आनंद है, लेकिन आप लोगों ने एम्बेसडर भी पढ़ने करंट अफेयर के अंदर, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे हम, आगे टेलीग्राम पर जाना भाई, 40 क्वेश्चन पूरे हो गए। टेलीग्राम पर जाकर क्या करना है आप लोगों ने, ये पीडीएफ दोबारा से रिवाइज करनी है, ये काम जरूर करना, जरूर से भी जरूर। और अंतिम में ये बैच है जिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, या फिर जिन बच्चों ने मेरा ही नहीं पेपर केस होता है, वो इस बैच को पढ़ें भाई। ये सोमवीर सर के द्वारा बैच चलाया जा रहा है डिटर प्लस बी का, ये अमित सर के द्वारा चलाया जा रहा है जूनियर असिस्टेंट का, सॉरी जे जे का, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का, ठीक है। पेपर कब है सर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वार्डर का? अगर पेपर कल हो तो क्या आप पढ़ दोगे? पेपर तो आते जाते रहेंगे, 36 आएंगी 36 जाएंगी, ऐसे वाली बात बोलते हैं ना। थैंक यू सो मच सर जी, नाइस सेशन, थैंक यू बरखा। तो भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज मेरे साथ जुड़ने के लिए। बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिप्लाई क्या कर दे दूँ रोकी, बता दे मेरे, अभी रिप्लाई दे दूँ? नहीं तो थैंक यू, थैंक यू सो मच भाई। आशा करूँ आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। सर मैंने एलडीसी पोस्ट के लिए जूनियर, यार काल ही बताई थी विजय, रोज़ रोज़ का काम हो गया। नहीं सो थैंक यू सर, बॉर्डर की कोई गुड न्यूज़ बता दो, आते बता देंगे, कोई टेंशन मत ले दो, तैयारी है सर। नाइस क्लास, थैंक यू भाई सभी को, थैंक यू सो मच। फिर ओकी फिर तैयारी कर भाई, फिर नौकरी ना लग गया, एफकैट क्लियर कर क्या फिर भी। टेलीग्राम चैनल का लिंक यार ऊपर लग रहा है भाई, हाँ चल ये ऊपर लीला लीला दिखता होगा, इस लीले लीले में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। स्वीटी ऊपर दबा दो अभी, ये लिख रहा है डिटर प्रेस भी, इसके नीचे ना लास्ट में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। तो भाई आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद, गजब क्लास जी, थैंक यू बाय बाय, टाटा राम राम।